भारत ही नहीं पूरी दुनिया को 23 अगस्त 2023 का बेसब्री से इंतजार है। इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अपने सेंसर्स की मदद से वह लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग शून्य कर लेगा, फिर हौले हौले चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। ये वो पल होगा जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सबसे गौरवपूर्ण क्षण होगा। चंद्रमा के बारे में अचानक दुनिया की उत्सुकता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि अगले कुछ दिनों में 2 मिशन चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसमें से रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। इसी के साथ अब उम्मीद है सिर्फ चंद्रयान 3 से। भारत इतिहास रचने के करीब है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 6 बजे के आसपास चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की बिल्कुल तैयारी में है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान वाले लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले अपने चंद्रयान ने कई तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है, जबकि रूस के 1976 के बाद पहली बार चांद का रुख किया है। रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का भार 3800 किलोग्राम है। इन दोनों के बजट में भारी अंतर है। चंद्रयान 3 का बजट जहां मात्र 615 करोड़ रुपए है, वहीं रूस ने लूना 25 के बजट का ऐलान नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 1600 करोड़ रुपए बताई गई है। चंद्रयान 3 ने 19 अगस्त 2023 को अपने कैमरे से यह तस्वीर भेजी थी। यह चांद की दूसरी तरफ का हिस्सा है जिसके बारे में लोगों को कम पता है। भारत ने उसी इलाके में अपना यान भेजा है। चांद पर कई बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर व्यास के बताए जाते हैं। इसी इलाके में यान अपने लिए उतरने की जगह ढूंढ रहा है। दरअसल चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में बने गड्ढे करोड़ों साल से अंधेरे में हैं। वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है, तापमान माइनस में हो सकता है। इस इलाके में लैंडिंग करना आसान नहीं है। चांद के दक्षिणी ध्रुव का इलाका धरती वालों के लिए रहस्य है। यहाँ मिट्टी में रहस्य दफन है। अपना यान लैंडिंग के बाद यहाँ से जो जानकारियां भेजेगा, उससे सौर परिवार का जन्म और चांद पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्य का पता चल सकता है। यह भी पता चल पाएगा कि चांद में पानी है या नहीं। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। रूस रेस से बाहर हो चुका है और 23 को भारत अंतरिक्ष जगत में एक नया इतिहास लिखने वाला है। वास्तव में वो हम पहले देश होंगे जो साउथ पोल के बारे में जानकारी दुनिया को देंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।